मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो सेकेंडरी फ्लोएम है, इसमें क्या होता है, देखो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा, वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है वो एक्टिव होती है। वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन किससे होता है, इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम, दोनों तरह की कैम्बियम जो होती है वो फ्यूज होकर इस वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। वेस्कुलर कैम्बियम से अंदर की तरफ, यहाँ पर तो जाइलम होता है, तो इसी तरफ अंदर की तरफ ही द्वितीयक जाइलम यानी सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा, और वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर की तरफ किसका, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम ऑलवेज फॉर्म इन द लार्ज अमाउंट एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम जो होगा वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वो कम अमाउंट में बनता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, ग्रोथ रिंग जो होती है, ग्रोथ रिंग जो बनती है, ग्रोथ रिंग कब बनती है, एक वन ईयर में टू ग्रोथ रिंग बनती है। ठीक है, कैसे बनती है, एक तो स्प्रिंग सीजन में बनेगी जिसको हम स्प्रिंग वुड कहते हैं, और दूसरी जो होती है वो ऑटम सीजन में बनती है जिसको हम ऑटम वुड कहते हैं। ठीक है, जो स्प्रिंग सीजन होता है उस टाइम पर कैम्बियम जो होगी वो मोर एक्टिव होती है, जिसके कारण इनकी जो वेसल्स होंगी वो भी ब्रॉड होंगी। ठीक है, लेकिन ऑटम सीजन में क्या होता है कि जो नैरो ल्यूमेन होती है इनकी, कैम्बियम जो होती है वो लेस एक्टिव होती है, जिसके कारण नैरो ल्यूमेन वाली वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो ये जो सेकेंडरी फ्लोएम है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सेकेंडरी फ्लोएम में वही सेम जैसे सेकेंडरी जाइलम में बनता है, एक तो एक्साइल सिस्टम और दूसरा होता है रेडियल सिस्टम। एक्साइल सिस्टम है वो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होगा, लेकिन रेडियल सिस्टम है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब हम प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं तो हमें रेडियल सिस्टम शो होता है, और अगर हम प्लांट का इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं तो हमें एक्साइल सिस्टम दिखाई देता है। ठीक है, ये जो एक्साइल सिस्टम है इसमें क्या क्या होता है, सीव ट्यूब होती है, सीव सेल्स होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। और जो एक्साइल सिस्टम है उसका फॉर्मेशन फ्यूजी फॉर्म इनिशियल सेल से होता है। ठीक है, लेकिन जो रेडियल सिस्टम है उसमें क्या होगा, केवल फ्लोएम रे पैरेन्काइमा है। इट मीन्स ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इस तरह से रेडियली प्रेजेंट होता है, रेडियस पर प्रेजेंट होता है रे पैरेन्काइमा, तो केवल रेडियल सिस्टम में रे पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर्म बाय रे इनिशियल, और ये किसके द्वारा, रे इनिशियल के द्वारा बनता है। अब आगे देखो, ये तो हो गया अलग अलग कि यहाँ पर सीव ट्यूब प्रेजेंट होंगी, सीव सेल्स प्रेजेंट होंगी, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा और फ्लोएम फाइबर होगा, लेकिन कुछ जैसे स्क्लेरिड्स हो गई, लैटिसिफर्स हो गई, उसके अलावा शाइजोजिनस और लाइसोजिनस सिक्रेटरी स्ट्रक्चर, ये दो, ये जो चारों चीज़ें हैं ये इसमें रेडियल सिस्टम में भी प्रेजेंट होती है और एक्साइल सिस्टम में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है देखो, एक्साइल सिस्टम इन सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम में जो एक्साइल सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो सेकेंडरी फ्लोएम है, एक्साइल सिस्टम में सीव ट्यूब प्रेजेंट होगी और सीव ट्यूब के साथ में ही कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है, चालनी नलिका उपस्थित होती है, इस चालनी नलिका के साथ में ही सह कोशिका पाई जाती है, और ये जो चालनी नलिका और सह कोशिका, ये दोनों जितने भी डाइकोट्स हैं उन सभी में प्रेजेंट होती है। सीव ट्यूब जो होंगी उनका स्ट्रक्चर और शेप अलग अलग होता है, अलग अलग स्पीशीज में, अलग 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 प्लांट में इनकी साइज और शेप स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखो जो कैरिया कॉर्डिफॉर्मिस है इसमें सीव ट्यूब जो होती है वो ऑब्लिक होती है, मीन्स तिरछी सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है, फॉर्म कंपाउंड सीव प्लेट। सीव ट्यूब जो होंगी इसमें कैरिया कॉर्डिफॉर्मिस में सीव ट्यूब जो होती है वो ऑब्लिक होती है, और ये एक कंपाउंड सीव प्लेट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो होंगे उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है, एक्साइल सिस्टम में बताया था फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होगा उसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। क्या क्या करता है ये पैरेन्काइमा, एक तो स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है, फैट का स्टोरेज करता है, और नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं उनको भी स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद में एक और, ये तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल हो गई, यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा
प्लाज्मा हो गया, अब क्या बच गया, फ्लोएम फाइबर। तो देखो सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम फाइबर, ये किस टाइप के होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइबर होंगे ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बने हुए होंगे, इनकी जो कोशिकाएं होंगी वो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं होंगी। क्यों होती है, क्योंकि फाइबर जो होते हैं ना वो मृत होते हैं, ठीक है। अब देखो मृत होते हैं क्योंकि उनमें स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है। देखो फाइबर्स जो होंगे प्रेजेंट इन टेंजेंटियल बैंड्स, यानी स्पर्श रेखीय भित्ति, स्पर्श रेखीय पट्टिकाओं के रूप में ये फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। या तो ये स्पर्श रेखीय भित्तियों के रूप में होंगे या फिर ये स्कैटर्ड होंगे, बिखरे हुए होंगे, ठीक है। अगर ये जो फ्लोएम फाइबर है, अगर ये मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा अगर फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, प्रोवाइड हार्डनेस टू दी बार, मीन्स जो छाल होती है उसको बहुत ज़्यादा कठोरता देने का काम कौन करते हैं, फ्लोएम फाइबर करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो फाइबर होते हैं ये किससे, मेड अप ऑफ नॉन फंक्शनल फाइबर स्क्लेरिड्स। ये जो फाइबर होते हैं ये नॉन फंक्शनल स्क्लेरिड्स से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। एक्साइल सिस्टम में क्या क्या आ गया, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब जो होंगी उनकी स्ट्रक्चर हर एक स्पीशीज में अलग अलग होती है, और कंपेनियन सेल जो होगी वो हमेशा इसके साथ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन था स्टोरेज किस किस का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, और उसके अलावा एक कार्बोहाइड्रेट, फैट और नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स का स्टोरेज करता है। उसके बाद में सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं, और उनका मेन फंक्शन क्या होता है, वो हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं टू दी बार, ठीक है। एक्साइल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया हमने। एक्साइल सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होगा, सी ट्यूब प्रेजेंट होंगी, कंपेनियन सेल प्रेजेंट होंगी, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा और फ्लोएम फाइबर होगा। इन सब का फंक्शन अलग अलग पढ़ लिया। सी ट्यूब और सीव सेल्स दोनों एक साथ क्या करती है, पैरेन्काइमा जो होता है वो स्टोरेज का फंक्शन होता है, और उसके अलावा जो फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब देखो रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम में क्या था, केवल रेज आती है, ठीक है, रे पैरेन्काइमा आता है। तो जो रेडियल सिस्टम है उसमें रेज आएंगी, और ये किससे, पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। ये जो रेज होंगी ये कैसी होंगी, रेक्टेंगुलर होंगी या फिर रेडियली इलोंगेटेड होती है, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो रेज होती है ये या तो यूनिसीरिएट या फिर मल्टीसीरिएट, ठीक है, यूनिसीरिएट अरेंजमेंट होगी या फिर इनकी मल्टीसीरिएट अरेंजमेंट होती है। उसके बाद में देखो एक्साइल सिस्टम हो गया और रेडियल सिस्टम हो गया, एक्साइल सिस्टम और रेडियल सिस्टम। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो फ्लोएम है उसकी एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम जो है उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे नया फ्लोएम बनता रहेगा तो जो पुराना वाला फ्लोएम है वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब पुराना वाला फ्लोएम होता है उसमें कैलोज का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण वो फ्लोएम इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव होने के बाद में वो फूड का स्टोरेज करता है, ठीक है। तो देखो ये जो एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम है इसमें क्या होता है, न्यू फॉर्म फ्लोएम, जैसे जैसे नया फ्लोएम बनेगा वैसे वैसे जो पुराना वाला फ्लोएम है या ओल्ड फ्लोएम है वो इनएक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण सीव ट्यूब्स, उसके बाद देखो उसके बाद सीव ट्यूब्स जो होती है ना वो हमें वो क्या होती है, एक्टिव फॉर मैनी ईयर्स। सीव ट्यूब्स जो होती है केवल वही बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक एक्टिव रहती है। जैसे जैसे फ्लोएम इनएक्टिव हो रहा है उसमें कैलोज का डिपोजिशन हो रहा है, कैलोज का डिपोजिशन होने के कारण एक थिक लेयर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो थिक लेयर होती है ये पूरे सीव एरिया को कवर कर लेती है, ठीक है। सीव एरिया को कवर करने के बाद वहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म था वो डिसइंटीग्रेटेड और डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, मीन्स अस्त व्यस्त हो जाता है, बिल्कुल अव्यवस्थित प्रोटोप्लाज्म हो जाता है, जिसके कारण फ्लोएम एलिमेंट जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्रस्ट हो जाते हैं। फ्लोएम प्रोटोप्लाज्म था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसऑर्गेनाइज हो गया, उसके बाद में जो फ्लोएम एलिमेंट होते हैं ना वो भी बिल्कुल क्रस्ट हो जाते हैं। क्रश होने के कारण उसमें जो सीव एलिमेंट्स, और सीव एलिमेंट्स में क्या आएगा, सीव ट्यूब, सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स, ये सब के सब इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो जो केवल जो रे सेल्स होती हैं उन्हीं में
प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद जो इनएक्टिव सीव एलिमेंट्स है उसके अलावा उनमें पेरेंकाइमेटस सेल्स भी प्रेजेंट होती है जिनमें टाइलोसिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टाइलोसिस कल बताया था, जाइलम पेरेंकाइमा था, जाइलम पेरेंकाइमा में इस तरह से पिट्स प्रेजेंट थे, इन पिट्स में बलून लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो कि वाटर कंडक्शन को रोकने का फंक्शन करता है। ठीक है, अब उसके बाद में रेडियल सिस्टम हो गया, एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम हो गई। अब उसके बाद आता है स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। इसमें क्या होगा, देखो सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वो क्या करेगा, फ्लोएम है इट मीन्स वो फूड का कंडक्शन करेगा। जाइलम और फ्लोएम दोनों वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम जो होता है वो वाटर का कंडक्शन करता है और फ्लोएम जो होता है वो फूड का कंडक्शन करता है। तो सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो भी क्या करेगा, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। तो देखो जब इसमें फ्लोएम, यहाँ पर बताया था कि फ्लोएम इनएक्टिव हो जाएगा, कैलोज का डिपोजिशन हो जाएगा, तो फ्लोएम जो होगा वो इनएक्टिव होने के बाद में उसमें कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और नाइट्रोजिनस जो कंपाउंड्स होते हैं वो आकर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण देखो फ्लो, और उसके बाद में एक्साइल सिस्टम जो होता है उसमें और रेडियल सिस्टम दोनों में पढ़ लिया। अब उसके बाद में है फ्लोएम फाइबर जो होते हैं ना उनका यूज़ क्या होता है, वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कैसे, देखो लाइनम के जो फाइबर है, बास्ट फाइबर, उनका भी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होता है। उसके अलावा जो टैनिन, उसके अलावा जो फाइबर्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, टैनिन प्रेजेंट होता है जिसके कारण इनका यूज मेडिसिन में किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो हेविया का प्लांट होता है उसमें क्या होता है, लेटिसिफर ट्यूब्स प्रेजेंट होती है जिसके कारण लेटेक्स का सिक्रीशन करता है। और एक लास्ट में होता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी फ्लोएम में क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी फ्लोएम के जो फाइबर्स होते हैं उनमें रेजिन डक्ट और कैनाल्स, रेजिन डक्ट और रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट होती है जो कि रेजिन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम के बारे में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सेकेंडरी फ्लोएम जो था उसकी ओरिजिन किस तरह से हुई, वो जो होता है उसमें सेकेंडरी फ्लोएम में भी अगेन टू वुड बनती है, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वो भी टू पार्ट्स में, टू सिस्टम में डिवाइड होता है, वन इज एक्साइल सिस्टम एंड सेकेंड इज रेडियल सिस्टम। एक्साइल सिस्टम होगा उसमें सी ट्यूब प्रेजेंट होगी, कंपेनियन सेल प्रेजेंट होगी, फ्लोएम पेरेंकाइमा प्रेजेंट होगा और फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन जो रे सिस्टम होता है उसमें केवल और केवल रे पेरेंकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ स्क्लेरिड्स होती है, लेटिसिफर ट्यूब्स होती है और उसके अलावा साइटोजिनस और लाइसोजिनस जो सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स होती है वो इन दोनों सिस्टम, एक्साइल और रेडियल दोनों सिस्टम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्साइल सिस्टम के बारे में अलग अलग डिस्कस कर लिया कि वहाँ पर जो पेरेंकाइमा है उसका फंक्शन क्या है, फाइबर का फंक्शन क्या है, उसके बाद रेडियल सिस्टम, फिर उसके बाद एक्टिविटी ऑफ फ्लोएम की नया फ्लोएम बनता जाएगा, पुराना फ्लोएम जो है वो इनएक्टिव होता जाएगा, कैलोज का डिपोजिशन होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है स्ट्रक्चर फंक्शन में क्या होता है कि जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन ऑफ फूड मटीरियल। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम वाला टॉपिक कंप्लीट है।